एक तरफ संध्या और रणधीर दोनों अपने प्यार को मुकम्मल अंजाम देने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ बबलू और मोना अपने संबंधों को नया मोड़ देने में लगे थे। सरेआम पटना के दीघा इलाके में होती है एक हत्या और मारा जाता है रणधीर मुखिया और बुल्लू। हाँ रणधीर, कहाँ हो तुम? हम तो बेली रोड पर हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वहीं पर खड़े रहना। मुखिया की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस आनन फानन में पहुंचती है मौके वारदात। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। चूंकि मामला एक मुखिया का था, इसलिए पुलिस पूरी सतर्कता के साथ घटना की जांच में जुटी हुई थी। हालांकि शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को कोई खास सुराग हाथ नहीं लगता है। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। दीघा, राजीव नगर और रूपसपुर थाने के अधिकारी जांच टीम में शामिल थे। हत्या की वजह और हत्यारे को लेकर लोगों के बीच भी कौतूहल बना हुआ था। पुलिस के लिए केस काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि हत्यारों ने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि मुखिया रणधीर का अपनी बीबी से नहीं बनता था और उसका अफेयर किसी संध्या नाम की लड़की से चल रहा था। पुलिस ने कई बिंदुओं पर पुलिस तफ्तीश कर रही थी, जिसमें मृतक के जो बिजनेस पार्टनर्स थे, मृतक के अवैध संबंधों के बारे में जानकारी हुई, जो एफआईआर थी उसमें मृतक की प्रेमिका के ऊपर मृतक की पत्नी ने कहा कि उसी के द्वारा यह हत्या करवाई गई है। शुरुआती जांच में परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने संध्या को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस को हत्या के पीछे संध्या का हाथ हो सकता है ये बात पच नहीं रही थी। आखिरकार पुलिस ने संध्या और रणधीर के मोबाइल के साथ ही बबलू के मोबाइल का भी प्रिंट आउट निकाला। सारा मामला खुलते चला गया, एक एक कड़ी जुड़ती चली गई और अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचते गए। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कहानी एकदम उलट गई। इसमें पुलिस ने पाया कि ये घटना मृतक की पत्नी द्वारा ही आयोजित करवाई गई और इसमें मृतक के अपने बहनोई बबलू का हाथ था। डिटेल्स के आधार पर इस मामले में सबसे पहले पुलिस ने बबलू को धर दबोचा। पुलिसिया पूछताछ के दौरान बबलू ने सारा राज उगल डाला। दरअसल बबलू और मोना के बीच अवैध संबंध बन गया था। रणधीर के चलते दोनों खुलकर नहीं मिल पाते थे, इसलिए रणधीर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया। पूरी साजिश बबलू ने रची और अंजाम दिया भाड़े के हत्यारों ने। पुलिस के मुताबिक पूरा डील 1,60,000 रुपए में तय की गई थी। मृतक काफी अय्याश किस्म का व्यक्ति था, उसके कई अवैध संबंध थे और वो शराबी भी था। उसकी पत्नी का धीरे धीरे भावनात्मक लगाव हो गया मृतक के बहनोई से, जो उसी के घर के पास रहता था। ये योजना, जैसा स्वीकार किया है, एक हफ्ता पूर्व बनाई गई, घटना से एक हफ्ता पूर्व बनाई गई थी। और जो पूरी घटना को प्लान करने वाला ये बबलू था, जो मृतक का बहनोई था, अपना बहनोई
उसने 1,60,000 रुपये में सुबोध नामक व्यक्ति को, जो बालू वगैरह इसके यहाँ सप्लाई करता था, उसको तैयार किया। सुबोध ने आगे फिर पूरा ये प्लान तैयार किया कि कहाँ पर इसको, सुबोध जो कि दीघा का रहने वाला है, उसने कहा कि आप किसी तरीके इसको दीघा फादर्स बगीचा के पास ले आइए। सुबोध ने बाकी लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया, जिसमें सुबोध का अपना चाचा अनिल, जिसमें सुबोध ने इन्वॉल्व किया पिंटू नामक क्रिमिनल को, पंकज नामक क्रिमिनल को, उसने इन्वॉल्व किया पप्पू को, और कुल मिलाकर के इसमें 6 लोग अरेस्ट हुए हैं और एक अभी फरार है। पुलिस की चुस्ती और फुर्ती से काफी कम दिनों में ही पूरे मामले का खुलासा हो गया। मोना और बबलू ने एक तीर से 2 शिकार करना चाहा, लेकिन उनके नापाक मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। पुलिस की मुस्तैदी से रणधीर मुखिया के कातिल पकड़े गए, लेकिन वो अपराधी भी बच नहीं सकते कानून की मजबूत गिरफ्त से, जो करते हैं इस तरह के घिनौने अपराध। बहरहाल हमारी नजर है अपराधियों की चाल पर, आप नजर बनाए रखिए जुर्म के जाल पर, क्योंकि कानून को जिंदा रखना है तो बोलना सीखो।